भैया रात में 3 बज रहा है, यकीन नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ। एलेक्सा व्हाट इज द टाइम? It's 3:22 AM. मैं उठा इस वजह से हूँ क्योंकि रूम की डेकोरेशन याद है? हाँ वही वाली जो आई थी रिसेंटली भाई, वो ऊपर से नीचे गिरी, सर पे नहीं गिरी बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बेड के पीछे गिरी है। अब आप लोग मेरा चेहरा तो नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं इतना इस वक्त थका हुआ हूँ कि मैं सच में लाइट भी नहीं ऑन करने वाला। तो मैं आपके पास बता रहा हूँ कि मतलब ज़िंदगी में ना चैन नहीं है बिल्कुल यार। ईडी वाले मैसेज कर रहे हैं तेरे को, कुछ कौन वाले? ईडी वाले कह रहे हैं क्लास आ जा भोसड़ी के। अबे सही में क्या गलिया है? नहीं है तो क्लास बुला रहे हैं, चले देखना जा। क्लास है। दो भाई सीन ये है कि हम लोगों का बॉक्सिंग तो मिस हो गया है देखिए, लेकिन बॉक्सिंग मिस हो गया इसके बावजूद भी बहुत सारा काम तो अभी है। एक हमारा एम्प्लॉयर है जो हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। दरअसल परेशान क्या कर रहा है, मतलब उसकी वरीज तो लिजिट है, लेकिन उसको ढेर सारा काम कराना है, तो हम लोगों के ऊपर टूट रहा था थोड़ा सा। अबे यार मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, तू आगे गाने सुना। ठीक है, कहानी सुना फिर चुप हो गया। काम भी नहीं करता है, काम में भी आज देरी करता है, बोल भी नहीं पाता है। मैं देख रहा वीडियो चल रहा है या रुका हुआ था। वीडियो का छोड़ो, तुम काम वीडियो चल बताओ। रहा वीडियो है। चल रहा है, क्यों नहीं अच्छा चलेगा? क्या बताना, क्या है बमजी के बारे में? देखो क्या बताना है। अरे भाई अरे यार, लव यार, व्हाट इज दिस मैन? Your calendar, boxing classes starts in 10 minutes. एलेक्सा शट अप, बॉक्सिंग क्लासेस तो घंटा नहीं जा पाएंगे इस वक्त। तो बेसिकली हुआ ये है कि हमारा एक एम्प्लॉयर है, वो हमसे बहुत नाखुश था, और नाखुश इस वजह से था क्योंकि हम लोग उसका सही से रिप्लाई नहीं कर रहे थे, सही से बात नहीं कर रहे थे। तो ही वाज लाइक कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, सही से काम करो। तो इन एन एफर्ट, जैसे मसला ये था कि उसके साथ रात हो रही थी, रात का 2 वो बज रहा था, तो उसको वैसे ही अपसेट था, वो फ्रस्ट्रेटेड था। अगर मैं पहले वाला अब्दुल्ला होता ना तो मैं लड़ लिया होता कि भाई तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे, लेकिन आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। दरअसल नाउ एट दिस स्टेज इन माय लाइफ मुझे पता था कि हाँ भाई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वैसे ही मार्केट्स डाउन चल रहे दुनिया भर के इस वक्त, एंड कहीं ना कहीं इट वॉज नॉट, ही वॉज नॉट रॉन्ग, राइट? तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, सेट की ओके इट इज एन एमिकेबल सोल्यूशन फॉर बोथ ऑफ अस। मैं रोज तुम्हें सुबह सुबह कॉल कर दूँगा। ये लाइक हाँ ये ठीक है, उसे लग रहा अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, बट एक्चुअली द थिंग इज कि मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली वर्किंग इज टू अपियर लाइक यूर वर्किंग। बहुत ही, लेकिन अगर कोई भी आपके घर में लाइक एक्चुअल में जॉब करता है तो दे वुड बी एबल टू अटेस्ट टू इट कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, टू अपियर एज इफ यू आर वर्किंग इवन अगर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं। अबे भाई ये मैं प्रोटीन कैसे ही डालना उसको, बाय द वे मसल बेस का जो प्रोटीन होता है ना, इसकी मिक्सेबिलिटी से मैं थोड़ा परेशान हूँ यार। कहते तो है कि वो ये वाला वे है, इसके अंदर ये फॉर्मूला है, और ये तेजी से बन जाता है, ये हो जाता होता, मुझे तो नहीं लगता भाई, मेरे लिए तो अभी इतना ही स्लो है। अबे भाई मैं उसको बोला तो पता है उमेर को कि उसको एक बार साफ कर दे रहा हूँ, अभी तक साफ नहीं किया। टिश्यू पेपर लाना। हम लोगों ने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चिकन बनाया ना अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से ये पूरा इसके ऊपर तेल जम गया है। अब वही बैठ के साफ कर रहे हैं। खैर जैसा भी रहता है, वी लेट यू गाइस नो, फिर देखते हैं क्या रहता है। सफाई अभियान करने हाँ ना, इस फिल्म का वो 5 घंटे का फोन था, 4.5 घंटे का। ए भाई सफाई अभियान कर रहे, रूम भी साफ कर दे भाई ये वाला। हाँ तो वही तो, अब दोनों रूम साफ करेंगे। नाइस, थैंक यू वेरी मच। स्पेन में 3:42 AM हो रहा है। तुम लोग स्पेन का टाइम क्यों देख रहे हो जब वो US बेस्ड है? हम लोग हाँ, अरे लालीगा देखते हैं ना। क्या लालीगा एंथुसियास्ट से भाई इस रूम में। तुम लोग इतना फुटबॉल देखते हो है ना, और खेलने में तुम लोगों को एक भी बार नहीं गया हूँ देखने की, मतलब ये दोनों में से कोई एक भी खेल लाओ। कोच कभी खेलता नहीं है, कोच कभी खेलता नहीं। ये बकवास भाई, खेलने यहाँ पे हमारे लेवल का प्लेयर ही नहीं है। आहा, बातें देखिए आप, बातें क्या भी होती है।
करता है, अलाइट जिम करता है, भूतनी का एक कंबल अकेले नहीं सही कर सकता है। तो वो राजा है, ये वाला सही करना। नो जिम करने से कंबल सही करता है ना आदमी, फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। माशाल्लाह फ्लेक्सिबिलिटी ले ले भाई। ये सब कहाँ है तुम्हारा, खत्म हो गया है भाई। ये हम लोगों का सुपर फूड बन रहा है पीछे, अंडे। अंडे फॉर लाइफ। अंडे अगर एक कंपनी कोई पर्टिकुलर बना रही होती ना, तो अभी तक हम उसके ब्रांड एम्बेसडर होते। सही बात है, बना तो रही है, मुर्गी तो दे रही है, एक ही तो मुर्गी तो अंडा देती है। तुझे कोई मुर्गी कोऑपरेटिव या मुर्गी बैंक या मुर्गी के लिए कोई ग्राम पंचायत को जानता है तू? नहीं ना। अरे क्या है मुर्गी कॉर्पोरेट सर्विस। अरे तो उठा नहीं के देखो यार, पता नहीं क्यों, जबकि उसके तो रात हो रही, लेकिन वो आया ही नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं सब अच्छी कुछ चाय वगैरह पीने के लिए। अरे क्या हो गया भाई, तुम लोग लड़ते क्यों रहते हो हर दो मिनट? पूरी लगवा दी। दो चाय की तीन चाय? दो चाय मैं नहीं लूंगा, एक प्लेट बाबू। चाय क्यों नहीं पीएंगे आप, फिर आया किस लिए? मैं तो तुम्हारे लोगों की शक्ल देखने आया था और जूबी भाई से मिलने आया था बस। अब चाय पीना ही पड़ेगा बाबू। ये कैसा पीयर प्रेशर है जूबी भाई। कॉशन के तौर पे सब कुछ निकाल के फिर से सही से लगाया जा रहा है। ये वाला था जो गिर गया था, और इसको भी निकाल के डबल साइडेड टेप से चिपकाया गया है। इंजीनियर नौफीज असलम बैक एट इट। इस जुमे का वक्त आ चुका है, तो अभी हम जुमे में जाके नमाज़ पढ़ेंगे और फिर वापस आना है। एंड रिमेंबर दैट एम्प्लॉयर हु इज़ नॉट टॉकिंग टू अस, वेल अपेरेंटली इज़ प्रीटी हैप्पी विद व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो उसने ऑटोमेटिकली हमें काम दे दिया कि हाँ बस ये वाला कर देना, एंड आई हैव टू डू दैट बाय द टाइम ही वेक्स अप। ही वेक्स अप समवेयर अराउंड 8 PM इंडियन टाइम, दैट मीन्स के अभी अच्छा खासा टाइम है। सो आई एम गोना गो टेक दिस एज अ स्लो वन, एंड और भी काम है बट वो सब के सब होपफुली निपट जाएंगे बाय द टाइम all of this rolls around, and रात में finally एक अच्छी नींद हम लोगों को मिल पाएगी। कल रात तो नहीं मिल पाई थी। So apparently हुआ ये है कि the employer has told me के he's gonna check up शाम में, so that would be around 7 to 8 PM। थोड़ा सा काम मिल चुका है हम लोगों को, that's all that we have to do। एंड एक छोटा सा पिच डेक में थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, तो वो काम करना है। आई समटाइम्स रियली रियली वॉन्ट के कोई ऐसा आई गेस AI होता या फिर कोई एक इस तरह के बंदा होता हु वुडेंट वॉन्ट टू डू बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम। तो जितना भी ऐसा हाथ पैर चलाने वाला काम होता है मैं उसको दे देता। आई कैन ओनली हैंडल थिंग्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिव थाट लगता है, क्योंकि वो वाले टास्क मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। बट कहीं ना कहीं एक हार्श रियलिटी यही है कि यू हैव टू डू इट। आई मीन देर इज़ नो There's no easy way out from this. Like अगर आपको लग रहा है कि अगर आप हाथ पैर नहीं चलाएंगे and you don't want to do the dirty work and you are only going to do the interesting work, that's not how it works. That's not how life works. Of course you can hire an intern and that's of course a possibility. लेकिन उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, you know, trust establish करने में. For example, it's a little bit hard India के अंदर वैसे भी लोगों को आई गेस सही तरीके से मोटिवेट करवाना is itself quite a challenge. And उसके बाद most people do not realize, like इंडिया के अंदर मैंने देखा कि मोस्ट पीपल रियली रियली फोकस ऑन द काइंड ऑफ सैलरी देयर बीइंग पेड, बट दे रियली अंडर प्ले द अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट दे कैन डू। और ये मुझे बहुत रिग्रेटफुली रियलाइज हुआ है, क्योंकि आई हैड अ चांस यहाँ पे, अगर कोई वैसे बहुत इंटरेस्टेड है यू कैन गूगल रिडैक्टेड कार्टेल नाम करके एक प्रोटोकॉल है Web3 का, ऑलराइट रिडैक्टेड। उसका फाउंडर है समी नाम करके, सामी बोलते हैं वैसे सब लोग अंग्रेजों से, लेकिन वैसे उसका नाम समी है। तो उस बंदे के लिए मेरे पास मौका था कि मैं उसके अंडर में इंटर्नशिप कर लूँ। पे इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि तब मैंने यू नो इतना ज़्यादा उसे परस्यू नहीं किया उस इंटर्नशिप को, लेकिन अगर मैंने आज कर लिया होता तो आज समीज नेटवर्थ इज़ इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ही इज़ द इंक्यूबेटर ऑफ ओवर 4 वेरी सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स। तो अगर मैं उससे मॉनिटरी टर्म्स में कुछ नहीं सीखता, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा होता अगर मैंने उसके अंडर में काम किया होता। आई काइंड ऑफ रिग्रेट दैट इज़ वेल। गाइस एक फ़नी इंसिडेंट हुआ है। फ़नी इंसिडेंट क्या हुआ है नौखेज, आप ये बताओगे? हाँ। क्या? जो कल सुना रहा था, मैं आज कॉली पिक नहीं किया बम जी। मैं हमारा एम्प्लॉयर हमें हमारी कॉली पिक नहीं कर रहा है। डू यू थिंक वी हैव बीन फायर्ड? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा, इंशाल्लाह नहीं। नहीं नहीं
ऐसा नहीं होगा, प्रिटी श्योर कि अभी वो उठ रहा होगा। एक्चुअली होता नहीं, लोग जोश जोश में कह देते हैं कि हाँ भाई हम रोज रोज कॉल उठा लेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों को पता नहीं होता कि मैं सच में रोज कॉल कर दूंगा। यार अच्छा मसला है कि टेक्निकली ये कॉल 8:30 PM तक हो जानी चाहिए, क्योंकि 8:30 PM पे हैव टू टेक वन मोर कॉल, तो वो कॉल भी इम्पोर्टेंट है। तो सब कॉलसेप्शन हो रखा है सो हर चीज़ का। अगर फिर पिक नहीं किया कॉल तो भाई मैं नहीं, मैं कह दूंगा भाई आई एम आउट, मैं बाहर चला गया, मेरी ज़िंदगी है भाई, मैं डिनर विनर करने चला गया, मैं कुछ बोल दूंगा तो बात थोड़ी ना होती है। एक तो मैं कर रहा हूँ और फिर ऐसे हो रहा है यार, ये नहीं होना चाहिए ना। तो खैर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि हम लोगों को गालियाँ पड़ने वाली हैं या फिर तारीफ मिलने वाली है, तो वो देखा जाएगा कल ही, कल नहीं मतलब अभी आधे घंटे में पता लग जाए, आधे घंटे में पता लग जाए। देखिए द फनी थिंग इज़ के समहाउ दैट कॉल नेवर केम थ्रू, सो अभी भी आ सकती है 10 PM तक कभी भी, बट जब तक नहीं आती तब तक आई एम गोना वर्क ऑन समथिंग एल्स, क्योंकि एज आई सेड मुझे दूसरी कॉल लेनी थी, आई टुक दैट कॉल, रियली क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, गोइंग बैक टू वर्क अगेन, एंड बस ये करने के बाद आई थिंक आई विल हिट द बेड, आई एम क्वाइट टायर्ड, आज के दिन वॉज काफ़ी टायरिंग, और अभी तो आज तो मैं बॉक्सिंग किया भी नहीं था, सोचा अगर बॉक्सिंग किया होता तो क्या हालत हुई थी, बट दिस इज़ लाइफ, गॉट टू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड अगर कोई अपडेट होती है यार तो टू बी वेरी फेयर आई एम जस्ट गोना अपडेट यू गाइस टुमारो, सो टेक केयर।